नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है द न्यूज टॉक पर, जहां पर हम जानने वाले हैं देश और दुनिया से जुड़ी 50 से भी ज्यादा बड़ी खबरें सिर्फ 10 मिनट में। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, साथ ही आप कहां से यह वीडियो देख रहे हैं जरूर बताइएगा। तो चलिए बिना देरी किए जानते हैं सभी बड़ी खबरें। महाराष्ट्र के रायगढ़ में संदिग्ध नाव मिलने से हड़कंप, AK-47 समेत भारी मात्रा में कारतूस मिले। बिहार पॉलिटिक्स से बड़ी खबर, भाजपा ज्वाइन करेंगे RCP सिंह, बोले नीतीश 7 जन्मों में भी प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे। देश तय करे कि बिल्किस बानो महिला है या मुस्लिम, दोषियों पर रिहाई पर भड़की महुआ मोइत्रा। जम्मू कश्मीर में बढ़ेंगे भाजपा के 25 लाख वोटर, विपक्षी खेमों में हलचल तेज। दिल्ली में दुष्कर्म मामले में राहत के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचे शाहनवाज, हाईकोर्ट ने दिया था FIR का आदेश। जयपुर में संत का आत्मदाह, 50% जले, राजस्थान में एक महीने में 3 साधुओं ने की खुदकुशी। RBI UPI फंड ट्रांसफर पर शुल्क लगाने पर कर रहा विचार, लोगों से मांगी राय। संयुक्त किसान मोर्चे का केंद्र के खिलाफ प्रदर्शन जारी, राकेश टिकैत ने रखी नई मांगे। बाहुबली मुख्तार अंसारी पर ईडी का शिकंजा, लखनऊ गाजीपुर समेत 11 ठिकानों पर छापेमारी। सीएम योगी आज कमहरिया घाट पुल का करेंगे लोकार्पण, 22 साल के संघर्ष का परिणाम है यह सेतु। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 14 साल पूरे होने पर भावुक हुए कोहली, शेयर किया वीडियो। 4 महीने बाद सेंसेक्स 60,000 के ऊपर, निफ्टी भी 17,900 के पार। शहरों में बेरोजगारी 1 साल के उच्चतम स्तर पर, अगस्त के 15 दिनों में गांवों में 7.18%। अनाज का होगा रिकॉर्ड उत्पादन पर घट सकती है गेहूं की पैदावार, दलहन तिलहन में होगी बढ़ोतरी। मेटा और राष्ट्रीय महिला आयोग ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए MARD के साथ की साझेदारी। वहीं 144 करोड़ व्यूज वाले 8 YouTube चैनल पर बैन, 7 तो भारतीय ही है। तेजस्वी यादव का BJP पर हमला, बोले जब से हमने 10 लाख नौकरियों पर मुहर लगाई है तब से BJP परेशान। शिवराज सिंह चौहान नहीं, अब सत्यनारायण जटिया होंगे मध्य प्रदेश में CM पद का चेहरा। हेमंत सोरेन की BJP को चुनौती, निशिकांत दुबे बोले अगस्त निकाल ले पहले। मोदी से झटका मिलने के बाद राजनीति से संन्यास लेंगे नितिन गडकरी, चर्चाओं का बाजार गरम। रेणकोजी मंदिर में रखी अस्थियों का हो DNA टेस्ट, नेताजी की बेटी ने की मांग। फडणवीस के लिए आसान नहीं है चुनाव समिति का सदस्य होना, कांटे भी बिछ गए हैं राह में। 9 से 10 सितंबर को त्रिपुरा दौरे पर जा सकती है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। त्रिपुरा में पुलिस मुख्यालय से फाइल चोरी का मामला गरमाने लगा, कांग्रेस माकपा ने की जांच की मांग। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने वालों पर हो सख्त कार्रवाई, वंदे मातरम का समर्थन, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का आह्वान। गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए आपने कसी कसर, 9 और प्रत्याशियों को उतारा। बिहार को लेकर प्रशांत किशोर ने की बड़ी भविष्यवाणी, चुनाव से पहले बड़े उलटफेर की संभावना। शक्ति प्रदर्शन से पहले JDU में तेज हुई बगावत, MLA बागी बीमा भारती ने इस्तीफे की पेशकश की। बड़ा खुलासा, ट्रंप की 36 घंटे की भारत यात्रा पर 38 लाख रुपए खर्च हुए थे, 2020 में सह परिवार आए थे भारत। महाराष्ट्र में उद्धव खेमा को बड़ी राहत, मिल गया पहले वाला कार्यालय, शिंदे गुट के नेता 7वीं मंजिल पर बैठेंगे। बंगाल में अलकायदा के 2 संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार, देश के खिलाफ जंग की सामग्री मिली। श्रीलंका में गोटबाया राजपक्षे अगले सप्ताह लौट सकते हैं स्वदेश, जुलाई में भाग निकले थे।
बिल्किस बानो केस एक और औरत को दिए गए न्याय का अंत यही है। दोषियों की रिहाई पर झलका बिल्किस बानो का दर्द। बंगाल में शुभेंदु का दावा दिसंबर तक टूट जाएगी तृणमूल कांग्रेस, बंगाल में दोहराया जाएगा महाराष्ट्र। अमेरिका में इसरो की एंट्रिक्स के 87,457 डॉलर जब्त, मिलावटी खाद्य तेल पर कसा शिकंजा। सीबीआईसी ने जुर्माने को दोगुना तक बढ़ाया, गिरफ्तारी और जमानत नियम में भी किया संशोधन। मंकी पॉक्स के कांगो स्ट्रेन में बदलाव, कई मरीजों के लक्षण नहीं, भारतीय वैज्ञानिक कर रहे अध्ययन। भाजपा ने साधे क्षेत्रीय और चुनावी समीकरण, पहली बार सिख व पूर्वोत्तर के चेहरों को जगह। कोयला खनन की लीज रद्द करने पर केंद्र पर 1,00,000 रुपए का जुर्माना, कोर्ट ने कहा 4 सप्ताह में करे अदा। रसूखदारों से वसूल, जैकलीन की वेब सीरीज के लेखक को दिए 15,00,000, इस मामले में अब तक 5 गिरफ्तार। संघ प्रमुख भागवत बोले, भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए महिलाओं की सम्मान भागीदारी जरूरी। सलीम कुरैशी की एनआईए हिरासत 24 अगस्त तक बढ़ाई, टेरर फंड धन उगाही का है आरोप। कर्नाटक विधायक यतनाल का दावा, कहा मुझे सीएम उम्मीदवार बनाया तो भाजपा जीतेगी 150 सीटें। ज्ञान वापी श्रृंगार गोरी केस, मस्जिद कमेटी पर 500 रुपए का जुर्माना, 22 अगस्त को होगी अगली सुनवाई। मनीष सिसोदिया बोले, रोहिंग्या मुद्दे पर रुख स्पष्ट करे केंद्र सरकार। सितंबर में शुरू हो सकती है जनगणना, कार्य योजना बनाने के निर्देश, कोविड की वजह से 2 साल से हैं अटकी। हिमाचल में 3 दिन भारी बारिश का अलर्ट, 50 से ज्यादा सड़कें अभी भी ठप। जम्मू में कई स्थानों पर एनआईए की छापेमारी, एक आतंकी के ठिकाने पर पहुंची टीम। कश्मीरी पंडित हत्याकांड का मामला, आतंकी आदिल का घर कुर्क, बाप और 3 भाई भी गिरफ्तार। आईईडी मामला, दोनों आरोपित 8 दिन के पुलिस रिमांड पर, सब इंस्पेक्टर की बोलेरो के नीचे रखी थी आईईडी। पंजाब में पराली प्रबंधन मशीन में 150 करोड़ का घोटाला, 13% लाभार्थी है वंचित, अब होगी विजिलेंस जांच। अंबाला में 25 अक्टूबर से होगी अग्निवीर भर्ती रैली, 6 जिलों के युवा ले सकेंगे भाग। बिहार में तेजस्वी ने मंत्री कार्तिकेय पर दिया जवाब, नीतीश ने बीमा भारती को फटकारा, बोले जरूर कोई उकसा रहा। बिहार के नए कृषि मंत्री पर भ्रष्टाचार का आरोप, बोले किसी भी हालत में इस्तीफा नहीं दूंगा। छत्तीसगढ़ में सीपीआरआई करेगा क्षेत्रीय परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित, सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। झारखंड में केसकांड के आरोपी कांग्रेस के 3 निलंबित विधायकों को मिली जमानत, बंगाल पुलिस ने किया था गिरफ्तार। मध्य प्रदेश में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से सदेगा प्रदेश, आदिवासी इलाकों में माहौल बनाएगी कांग्रेस। चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।